हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में देखा था। इसके पहले तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय बेसिकली क्या है, हम लोग जो बचपन से करते आए हैं कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए छोटी क्लास में हम लोग करते थे कि कोई भी संख्या दी रहती थी उसको क्या करते थे, अभाज्य गुणनखंडन करते थे। तो उनको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते थे। तो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना ही किसी प्राकृतिक संख्या का क्या कहलाता है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। और ये क्या होता है, कोई भी आपको जैसे एक नंबर दे दिया गया 1000, तो 1000 का आप अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो वो केवल और केवल एक तरीके से होगा। ऐसा नहीं कि दो आदमी अलग अलग लिखेंगे तो वो दोनों अलग अलग निष्कर्ष पे पहुंचेगी, वो सेम संख्याएं मिलेगी अगर उनका आर्डर, उनका क्रम जो है मायने न रखा जाए। तो हम लोग जो पहले करते थे एलसीएम और एचसीएफ निकालते थे अभाज्य गुणनखंडन का, उसका एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल 6 है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से एचसीएफ और एलसीएम याद कीजिए। तो हम लोग क्या क्या करते थे, 6 का अभाज्य गुणनखंडन निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, फिर 3 3 1 3। तो 6 को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में क्या लिखेंगे, 2 × 3। फिर अगला है 20, 20 के लिए क्या करेंगे आप, 2 से डिवाइड करेंगे 10, फिर 2 से कटेगा तो 5, फिर 5 1। तो 20 को हम लोग कैसे लिखेंगे, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में 2 × 2 × 5। तो इसको ऐसे लिख देते हैं क्योंकि अगर पावर के रूप में भी 2 कई बार आएगा तो यहाँ पे तो कह रहे एक ही बार आ रहा है, तो 2 के पावर 1 × 3 के पावर 1, इसको ऐसे लिख दिए। और यहाँ पे 2 2 × 2 को क्या लिख दिए, 2 के पावर 2 × 5, ऐसे लिख दिए। अब जो एचसीएफ होता है, HCF जो होता है इन दोनों का जो संख्या कॉमन है वो संख्या जो दोनों में है, यहां पे भी है और यहां पे भी है, यहां पे और यहां पे क्या है, यहां भी 2 है और यहां भी 2 है, ये क्या है दोनों में उभयनिष्ठ है। तो उसकी क्या सबसे छोटी पावर, दोनों में यहाँ 2 2 जो है अभाज्य संख्या, 2 उभयनिष्ठ है और उनकी सबसे छोटी पावर क्या है, 2 के पावर 1। तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2। इसको ये हो गया। और इनका जो एलसीएम होगा, एलसीएम होता है जो संख्याएं कॉमन है, जो अभाज्य संख्याएं कॉमन है उनकी सबसे बड़ी घात। तो यहां पे 2 कॉमन है और 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 के पावर 2, यानी 2 के पावर 2 × और सारी संख्याएं जो कॉमन नहीं है वो ऐसे ही लिख लेंगे। तो यहां पे 3 और 5 भी है तो × 3 × 5, तो ये क्या आ गया, ये 60 आ गया। HCF 2 आ गया और LCM 60 आ गया। तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF क्या होता है, सार उभयनिष्ठ गुणनखंड। यानी दो संख्याओं का जब HCF निकालते हैं तो HCF वो संख्या होती है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को विभाजित करती है। यानी 2 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 6 को विभाजित करेगी और 20 को भी विभाजित करेगी। ये हुआ HCF का मीनिंग। HCF का मीनिंग क्या होता है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालना जो दोनों संख्याओं को विभाजित करती हो। और एलसीएम का मीनिंग क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज। यानी वो छोटी से छोटी संख्या जो इसका भी गुणज है और इसका भी गुणज है। जैसे 6 के गुणज आप लिखेंगे, तो इसको एक लाइन में लिख देता हूं मैं पहले, एच सी एफ जो होता है, यहां पे लिख देता हूं,
HCF होता है संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड। HCF कैसे निकालते हैं? संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ का मतलब कि जो जो दोनों में हो, उभयनिष्ठ उसको बोलते हैं कि इसमें भी हो। संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। तो HCF निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखेंगे, पावर के रूप में लिख देंगे। यहाँ पे दो दो कई बार आता तो पावर के रूप में इस तरीके से लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड जो दोनों में हो, वो अभाज्य संख्या देखेंगे जो दोनों में हो और उसकी क्या सबसे छोटी पावर। यहाँ दो दोनों में है, यहाँ दो के पावर एक है, यहाँ दो के पावर दो है, तो सबसे छोटी घात क्या है? दो के पावर एक। तो इनका HCF क्या हो गया? दो के पावर एक। और LCM क्या होता है? LCM होता है संख्याओं में संबद्ध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। LCM क्या होता है? संख्याओं में संबद्ध, यानी जो संख्याओं से संबद्ध अभाज्य संख्या, प्रत्येक अभाज्य संख्या अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल। यहाँ पे दो के पावर एक और दो के पावर दो है, तो दो इन दोनों से संबद्ध है, तो यहाँ पे सबसे बड़ी घात दो के पावर दो। फिर यहाँ पे क्या है? तीन संबद्ध है, इससे भी इनसे संबद्ध है। यहाँ पे उभयनिष्ठ के बाद नहीं, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की संख्याओं में संबद्ध कोई भी इसमें हो, तो थ्री के पावर वन ये आ गया, फिर फाइव के पावर वन आ गया, सिक्सटी आ गया। तो ऐसे हम लोग करके निकालते थे। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे आप, उसके बाद क्या करेंगे? HCF निकालने के लिए जो उभयनिष्ठ होगा दोनों में, उसकी सबसे छोटी घात का गुणनफल लिख लेंगे, वही हो जाएगा। और एग्जांपल लेते हैं हम लोग इसमें। हम लोग एक देख लेते हैं अभी, छह HCF ऑफ छ और 20, ये कितना आया? ये दो आया। HCF का मीनिंग क्या होता है? वो सबसे बड़ी संख्या जो 6 और 20 दोनों को डिवाइड कर दे। तो HCF और LCM का मीनिंग हम लोग एकदम दिमाग में रखेंगे, क्योंकि हमेशा जो है अप्लीकेशन इसका जो रहेगा, तो वहां पे आपको खुद गेस करना रहेगा कि HCF निकालना है कि LCM निकालना है, जो क्वेश्चन होंगे। ये तो एकदम बेसिक क्वेश्चन है, तो फिर सिक्स क्लास में किया जाता है। तो HCF का मीनिंग क्या होता है? कि वो बड़ी से, यानी दो वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 6 और 20 दोनों को विभाजित करती है। HCF का ये मीनिंग होता है। किसी दो संख्या का 6 और 20 का HCF 2 आया, इसका मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या 2 है जो 6 को भी विभाजित करे और 20 को भी। और LCM कितना आया था?
एलसीएम आया था 60। तो एलसीएम का क्या मीनिंग होता है यहाँ पे एक बार देख लें। एलसीएम क्या होता है? मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। आप 6 के मल्टीपल को लिखते जाएंगे तो 6 6 12 18 6 6 24 6 5 36 6 6 36 42 48 54 60 62 72 78 ऐसे आप, ये 6 के मल्टीपल हैं। ये इसको क्या बोल देते हैं? मल्टीपल आप 6। ये क्या है? 6 के गुणज, जैसे 6 12 सब कुछ लिख दिए मैंने। और मल्टीपल यानी गुणज आप 20 20 के आप गुणज लिखेंगे तो क्या रहेगा? 20 का गुणज 20 होगा, 40 60 80 100 120 140, ऐसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आप देखिए 6 के मल्टीपल लिखे हैं, ये 20 के मल्टीपल लिखे हैं। तो हमको क्या करना है, इन दोनों में वो मल्टीपल जो कॉमन हो, और कॉमन हो और सबसे छोटा हो। अब यहाँ पे आप देखिए तो 20 इसमें कहीं है नहीं, 40 20 में नहीं कहीं है, ये 60 है। पहली संख्या 60 मिली है जो दोनों में है, पहली संख्या सबसे छोटी संख्या जो इसका भी मल्टीपल है और इसका भी मल्टीपल है, यानी इनका एलसीएम क्या है? 60 है। इसका मतलब कि 60 वो छोटी से छोटी संख्या है जो 6 का भी गुणज है और 20 का भी गुणज है। तो ये हमारा क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ का मीनिंग। तो एलसीएम का मीनिंग क्या होता है कि एलसीएम जब हम निकालते हैं कि वो छोटी सी छोटी संख्या जो 6 और 20 दोनों का गुणज है। तो ये होता है हमारा एलसीएम और एचसीएफ का मीनिंग होता है। और कैसे निकालते हैं? अभाज्य गुणन खंडन करते हैं, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख लेते हैं। और एचसीएफ निकालने के लिए जो कॉमन होता है उसका सबसे लोअर पावर। एक और एग्जांपल करेंगे फिर। इसी में हम लोग आगे बढ़ाते हैं, एक पॉइंट और देखते हैं कि 6 और 20 का एचसीएफ कितना आया था हम लोगों का? एचसीएफ आया था 2। और एलसीएम क्या आया था? 60। तो आप दो संख्याओं में ये देखिए, अगर एचसीएफ इंटू एलसीएम कर दिया जाए, यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो HCF 2 है और ये 60 है, तो 60 × 120। और 120 कहाँ से आ रहा है? दोनों संख्याओं का गुणनफल, अगर 6 और 20 का गुणनफल निकाल लें तो 6 और 20 का गुणनफल अगर हम निकालें तो वो भी क्या होगा? 6 × 20 = 120। यानी एक चीज हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि अगर दो संख्याओं का आप HCF और एलसीएम निकालने के बाद मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसका यूज करके हम लोग, अगर एचसीएफ या एलसीएम में से एक चीज पता हो तो अगली चीज निकाल सकते हैं बिना भाज्य उसका यूज किए हुए। देखिए कैसे, इसको फार्मूले के रूप में कैसे लिख सकते हैं? किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए ए और बी के लिए क्या हो जाएगा? एच सी एफ ऑफ ए और बी। इसका मतलब क्या है कि ए और बी का एचसीएफ जो निकाला वो इनटू एलसीएम ऑफ
ए और बी दोनों को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए इंटू बी। ये फॉर्मूला डेवलप हो गया हम लोगों का कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये हम लोगों ने क्लास से यहाँ पे किया है। आप दो संख्या कोई भी लेके ये कर सकते हैं, एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। तो इसका यूज करके अगर हमको केवल एचसीएफ पता हो तो एलसीएम निकाल सकते हैं, संख्याएं पता रहेंगी इस फॉर्मूले के यूज करके। तो इसका एक एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं। उदाहरण 7, अभाज्य गुणनखंडन द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हम लोगों को करना है। तो अभाज्य गुणनखंडन तो क्या करते हैं, पहले 96 और 404 का अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। तो 96 को सबसे पहले क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। एट फिर 2 से जाएगा, 2 × 4 फिर 2 12 हो गया, फिर 2 × 6 = 12 फिर 2 3 3 3। तो 96 को हम लोग क्या ले सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितनी बार है, 2 1 2 3 4 5 बार इंटू 3। इसको क्या ले सकते हैं, 2 2 2 5 बार मल्टीप्लाई है, तो इसको क्या ले सकते हैं, 2 की पावर 5 × 3। ये तो हो गया हमारा 96। फिर 404 का करते हैं अभाज्य गुणनखंडन, 2 से काटिए तो 2 × 4 = 2 फिर 2 से 1 = 1 फिर अब 2 से नहीं जाएगा तो 3 से देखते हैं, 3 × 9 3 से भी नहीं जा रहा है, फिर 5 से भी नहीं जाएगा, फिर आप 7 से देखिए, 7 से भी नहीं जाएगा, फिर 11 से देखिए आप, 13 से देखिए, 17 से, यानी आप अभाज्य संख्याओं से आप सबसे पहले किससे डिवाइड करते हैं, 2 से। 2 से जब डिवाइड होना बंद हो जाता है तो 3 से चेक करते हैं, 3 से डिवाइड होना बंद हो जाता है तो 5 से। सारी अभाज्य संख्याएं सीरियल से जो है बढ़ते क्रम में देखते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। तो ये 101 तो ये अभाज्य संख्या है, आप चेक कर सकते हैं, करते चले जाइए। 23 के बाद फिर होगा 29, क्योंकि 24, 25, 26, 27, 28 फिर 29, फिर 30, फिर 31, फिर 31 होगा। तो ये अभाज्य संख्या ही है। तो 404 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 × 2 × 101 इसको लिखते हैं 2 की पावर 2 × 101। 101 को आप चेक कर रही है, बढ़ते चले जाए, किसी से भी ये डिवाइड नहीं होगा, ये क्या है, अभाज्य संख्या है। आप बढ़ते चले जाए, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 किसी से भी ये डिवाइड नहीं होगा, ऐसे आप आगे बढ़ते चले जा सकते हैं। तो ये क्योंकि ये क्या है, अभाज्य संख्या है 101। तो हम लोगों ने 404 का अभाज्य गुणनखंडन कर लिया, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में, गुणनफल के रूप में लिख दिया। अब एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ हम लोगों को पता होता है क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में कॉमन हो, जो अभाज्य संख्या उसकी सबसे छोटी घात। दोनों में कॉमन क्या है, 2, 2 अभाज्य संख्या कॉमन है, यहाँ 2 की पावर 5 है, यहाँ 2 की पावर 2, तो 2 की सबसे छोटी घात यहाँ है कि यहाँ, यहाँ है, 2 की पावर 2, यानी 2 की पावर 2 इनका एचसीएफ हो जाएगा, यानी एचसीएफ हो गया 4। अब जब एक बार एचसीएफ निकल गया तो एलसीएम निकालने के लिए हमको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो मेथड हम लोग क्या लगाएंगे, क्या करेंगे, हम लोग को पता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल।
दो संख्याओं का गुणनफल, यानी जिन दो संख्याओं का HCF और LCM निकाला जा रहा है उनका गुणनफल आप कर दीजिए और HCF और LCM को गुणनफल कर दीजिए, तो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हमको HCF पता है तो LCM क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी 96 इंटू 404 दो संख्याओं का ये गुणनफल अपॉन LCM इंटू HCF, तो HCF क्या जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, HCF जाएगा। तो ये 96 इंटू 404 अपान एच सी एफ क्या है, 4। तो 4 से आप डिवाइड करिए, 4 × 4, 4 × 8, 4 × 16 क्या आ गया, 24 × 404। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, छ नौ 9696। ये 9696। तो आपको दो संख्याओं का जब HCF और LCM निकालना हो तो सीधा आप HCF इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि HCF क्या होता है, जो जो संख्याएं दोनों में कॉमन हो उनका सबसे छोटी पावर ले लेते हैं, उसके बाद में दोनों संख्याओं का गुणनफल करते हैं हम लोग। यहाँ पे जो देखते हैं वो HCF इंटू LCM के बराबर होता है। तो हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसके बाद आगे देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, एग्जांपल 1। संख्या 672 और 120 का अभाज्य गुणनखंडन के द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो हम लोग कैसे करेंगे, 6 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, तो 6 को 2 से डिवाइड करते हैं पहले, फिर 3 × 3। तो 6 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 6 = 2×3। 72 है, 72 का अभाज्य गुणनखंडन करने के लिए 2 से काटे, 2 × 3 = 6, 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 16, 2 × 2 = 18, फिर 3 × 3 = 9, 3 × 3। तो 72 को क्या लिखेंगे आप, 2×2×2 = 3×2×2×3×3। फिर और क्या है, 120 है, 120 का भी देख लेते हैं, 2 से काटिए 60 हो गया, फिर 2 से 30 हो गया, फिर 2 से 15, फिर 3 × 3 = 15, फिर 5 × 5 = 5। तो 120 क्या हो गया, 2×2×2×3×5। तो हम लोग इसको पावर के रूप में लिख लेते हैं, ये क्या लिखा है, 2×1 × 3×1। ये क्या लिखा है, 2×3, 2 × 2 = 3 बार मल्टीप्लाई है, तो 2×3 × 3×3 = 2 बार मल्टीप्लाई है, तो 3×2। ये 2×2 = 3 बार मल्टीप्लाई है, तो 2³ हो गया, गुणे 3³ है, 5³। तो एक ही बार रहता है तो उसको पावर वन लिखो या ना लिखो चल जाता है। तो HCF हम निकालते हैं सबसे पहले, HCF में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले देखते हैं कि जो तीनों में, तीन का निकाल रहे हैं तो तीनों में जो है क्या होना चाहिए, कॉमन। सबसे पहले कौन सी अभाज्य संख्या तीनों में कॉमन है, तो सबसे पहले देखते हैं 2 कॉमन है, तो उसकी सबसे छोटी घात यानी 2×1, 2 का काम खत्म हो गया। फिर 3 इसमें भी कॉमन है, इसकी भी सबसे छोटी घात × 3×1, यानी क्या आ गया, HCF इसका आ गया 6। अब LCM निकालते हैं, LCM में जो पहले देखते हैं जो तीनों में कॉमन हो, तो फिर ठीक है 2 तीनों में कॉमन है, जो सब में कॉमन है उसकी सबसे बड़ी घात, तो यहां 2 कॉमन है, यहां 2 की घात 1 है, यहां 3 है, यहां 3 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2×3 आ जाएगा। अब 2 का मैटर खत्म, अब 3 पे देखते हैं, 3 × 3×1 = 3×2 = 3×1।
तो तीन की सबसे बड़ी घात क्या है, तीन की सबसे बड़ी घात 3^2 × फिर क्या बचा 5। तो जो कॉमन होता है उसकी सबसे बड़ी घात, और जो कॉमन नहीं होता है उसको एज इट इज लिख लेते हैं। तो ये 5^1, ये कितना आ गया 8 × 9 × 5 40 × 9 360। तो HCF आपका आ गया 6 और LCM आ गया 360। अब हम लोग एक चीज, हम लोगों ने जो पहले पढ़ा था दो संख्याओं A और B के लिए, कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनका HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम लोग तीन संख्याओं पे वही चीज देखते हैं कि क्या ये चीज फॉलो हो रहा है। तीन संख्याओं पे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा अगर हम देखें तो, तीन संख्याओं के लिए संख्याओं का गुणनफल क्या है 6 × 72 × 120, ये 72, 12 × 72 720 हो गया, 72 इसको और आगे गुणा करके आप लिखेंगे तो 72 × 72 से कर लीजिए, 2 × 4 214 449 ये 4 8 ये 51 840 ये 8 8 8 5 1 8 4, यानी संख्याओं का जो गुणनफल आ गया ये 51 840, और HCF इंटू LCM करने पे क्या आएगा, HCF कितना हमारा आया है 6 आया है और LCM कितना आया है 360, तो ये कितना आएगा 3 × 6 = 18 = 21 / 60। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो तीन संख्याओं के लिए वो नियम लगाते हैं कि संख्याओं का गुणनफल और उनके HCF और LCM का गुणनफल ये इक्वल नहीं आता, यानी कि जो हम लोगों ने वो पढ़ा था फार्मूला कि HCF इंटू LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्याओं का HCF निकाल लो LCM निकाल लो दोनों को मल्टीप्लाई करो तो वो किसके इक्वल आता था दोनों संख्याओं के लिए, ये तीन संख्याओं पे फॉलो नहीं होता है। तो तीन संख्याओं के लिए तो यहां पे हम लिख देते हैं एक लाइन की 6 × 72 × 120 ये बराबर का चिन्ह है, इसको ऐसे काट दीजिए तो क्या हो गया बराबर नहीं है किसके HCF इंटू HCF आप 6 / 72 × 120 इंटू LCM आप 6 / 72 × 120, यानी कि ये तीन संख्याओं के लिए ये नियम फॉलो नहीं होता कि संख्याओं का गुणनफल उनके HCF और LCM के लिए बराबर नहीं होता, ये इक्वल टू ये कैंसिल है, इसका मतलब नॉट इक्वल टू यानी उसके बराबर नहीं है, तो ये तीन संख्याओं पे फॉलो नहीं होता। तो ये हम लोगों ने क्रॉस चेक करके देख भी लिया। तो इसके बाद एक्सरसाइज 1.2 आएगा, हम लोग उसको देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।